दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच खेले जाने वाले फर्स्ट T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फाइव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फाइव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर मैचेस में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो विकेट कीपर में सबसे पहले सुल्ताना आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर सुल्ताना के बारे में अगर मैं बात करूं तो 76 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले दोस्तों, जिसमें अगर मैं बात करूं 1462 रन इन्होंने अभी तक करे। अगर इनके एवरेज के बारे में बात करूं तो इनका एवरेज जो है 26 का रहता है। वहीं अगर मैं यहां से शमीमा सुल्ताना के बारे में बात करूं तो ये आपको इस मैच में ओपन करते हुए नजर आने वाली है, प्लस विकेट कीपिंग भी करेगी तो कैचेस वगैरह पकड़ के दे सकती है। अभी तक अगर मैं बात करूं दोस्तों 54 मैचेस इन्होंने खेले, जिसमें अगर मैं रन के बारे में बात करूं तो 707 रन इन्होंने करे, 707 रन, लेकिन एवरेज इनका इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका 14 का ही एवरेज है दोस्तों। वहीं अगर मैं यहाँ से भाटिया के बारे में बात करूँ तो ये भी आपको खेलते हुए नजर आने वाली है, बट यार इनका बैटिंग ऑर्डर आपको तकरीबन नंबर 7 नजर आ सकता है। अभी तक अगर मैं बात करूँ भाटिया के बारे में, 15 मैचेस भाटिया ने खेले जिसमें इन्होंने सिर्फ 146 रन करे दोस्तों, और एवरेज भी 15 का रहा है। तो विकेट कीपर में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बांग्लादेश के विकेट कीपर के साथ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल मैं सुल्ताना के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। बैटिंग के बारे में बात करें, देखिए स्मृति मंदाना के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, मुझे ओपन करते हुए नज़र आने वाली है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप बिल्कुल इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो दोस्तों, और रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक रही है, तो फिलहाल इनको तो हम अपनी टीम में लेके चलेंगे। जेमिमा रॉड्री के बारे में अगर मैं बात करूं इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में, 1 डाउन नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है। अभी तक 80 मैचेस इन्होंने खेले दोस्तों, उन 80 मैचेस में इन्होंने 1704 रन करे और एवरेज जो रहा है इनका वो 30 का एवरेज रहा है, तो इनको आप रख सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। बाकी शेफाली वर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिट और मिस टाइप की प्लेयर हो जाती है दोस्तों। अगर शेफाली वर्मा के बारे में मैं बात करूं, अभी तक 56 मैचेस इन्होंने खेले, उन 56 मैचेस के बारे में बात करूं तो 1333 रन इन्होंने बैटिंग से करे, प्लस 6 विकेट भी इन्होंने निकाले 24 ओवर बॉलिंग करके। बॉलिंग का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ओपन करते हुए नजर आने वाली, और एवरेज जो है बैटिंग से 24 का रहा है, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। फिलहाल मैं भी इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों।
वहीं दोस्तों अगर यहाँ से शोभाना मोस्टारी के बारे में अगर हम बात करें, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, वन डाउन आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नजर आ सकती है। अभी तक 22 मैचेस इन्होंने खेले दोस्तों, जिसमें 179 रन इन्होंने करे, लेकिन यार एवरेज पता है कितने का रहा है, सिर्फ 11 रन का ही एवरेज रहा है। तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस इनका इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी हरदीन देओल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपको नज़र आ सकती है। बैटिंग ऑर्डर जो इनका रहने वाला है वो तकरीबन आपको नंबर 6 नज़र आ सकता है हरदीन देओल का, या फिर नंबर 5 पे, क्योंकि इतना ही नीचे ये बैटिंग करते हुए आपको नज़र आने वाली। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप करके भी चल सकते हो दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें दोस्तों, बांग्लादेश वुमेन की तरफ से जो आपको नज़र आ सकती हो, जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, देखिए मुझे लगता है यहाँ पे आपको एम खातून खेलते हुए नज़र आ सकती है। अगर आप चाहो तो एम खातून को ट्राई कर सकते हो। एम खातून के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके परफॉर्मेंस के बारे में, 32 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले दोस्तों, उन 32 मैचेस में इन्होंने 565 रन करे और एवरेज 20 का रहा है। अगर बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करती है तो इनके साथ आप ज़रूर जा सकते, तो एक अच्छा ऑप्शन आपको ये दे सकती है दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से मैं बात करूँ मौनी के बारे में, इनका यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंट में रहा नहीं है दोस्तों, बट आप इनको ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि मे बी ये बॉलिंग भी करवाते हुए नज़र आ जाए। अभी तक 53 मैचेस के बारे में बात करूँ ना, तो रन तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 299 करे दोस्तों, लेकिन 90 ओवर बॉलिंग करके इन्होंने 20 विकेट निकाले। तो हो सकता है ये आपको बॉलिंग करवाते हुए नज़र आ जाए, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इसलिए मैं मौनी को अपनी टीम में रख रहा हूँ। वो 3 हमारे जो है बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, हरमनप्रीत कौर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 4 पे रहने वाला है। अगर हरमनप्रीत कौर के बारे में हम बात करें दोस्तों, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन रिसेंट में बॉलिंग ये करवा नहीं रही, लेकिन बैटिंग के लिए आप रख सकते हो। वहीं अगर हम बात करें दीप्ति शर्मा, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, एक अच्छी ऑलराउंडर है, इनको तो आपको रखना पड़ेगा, CVC आप बना सकते हो। खातून के बारे में बात करें, बांग्लादेश वुमेन की काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों, ऑलराउंडर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बैटिंग आती है तो थोड़ी बहुत कर सकती है, लेकिन बॉलिंग अच्छी रहती है इनकी। अभी तक 94 मैचेस इन्होंने अपने करियर में खेले, जिसमें अगर मैं बात करूँ बैटिंग से, इन्होंने 634 रन करे दोस्तों, लेकिन 308 ओवर 308 ओवर्स बॉलिंग करके इन्होंने 84 विकेट निकाले। तो अगर यहाँ से विकेट गिरते इंडिया वुमेन के, तो ये निकाल सकती है, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, और मुझे लगता है आप भी इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें दोस्तों, जो आपको यहाँ पे खेलते हुए नज़र आने वाला है, मुझे लगता है देविका वैद्य आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आ सकती है। अगर आप चाहो तो इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें देविका वैद्य के बारे में दोस्तों, अभी तक 112 मैचेस के बारे में इनके मैं बताऊं तो उसमें इन्होंने 1066 रन करे बैटिंग से, 17 का एवरेज आए, प्लस 328 ओवर बॉलिंग करके 112 विकेट इन्होंने निकाले दोस्तों। तो इनको भी आप ट्राई करके चल सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन आपको दे देती है, आप रख सकते हो। बाकी अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आर खान आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आ सकती है, चाहो तो आप आर खान को ट्राई करके चल सकते हो। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ आर खान के, कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो वो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए आर खान के बारे में बात करें, 15 मैचेस के बारे में जो इन्होंने खेले, बैटिंग से तो इन्होंने सिर्फ 46 रन करे, तो बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत करना। 28 ओवर बॉलिंग करके 9 विकेट इन्होंने निकाले, ये इनका जो है परफॉर्मेंस रहा है। बाकी मुझे कोई खास ऑप्शन इतना लग नहीं रहा, जिनको आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ, 4 हमारे ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में बात करें दोस्तों, नायद अख्तर आपको नज़र आने वाले, इनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो। अगर आप इच्छा रखते हो तो दोस्तों परफॉर्मेंस ज़रूर मैं आपको इनका क्लियर कर देता हूँ, क्या रहा है क्या नहीं रहा। देखिए अभी तक 214 ओवर इन्होंने बॉलिंग करी, जिसमें 74 विकेट निकाले, 17 का एवरेज आए, तो विकेट आपको निकाल के दे सकती है। बाकी एम सिंह विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, ओपन में भी बॉलिंग करवाते हुए आपको नज़र आने वाली है, तो इनके साथ आप जा सकते हो। मेघना सिंह 19 ओवर बॉलिंग करी रीसेंट में और 4 विकेट निकाले, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। वहीं अगर सरवनी के बारे में बात करें दोस्तों, 201 ओवर इन्होंने अभी तक जो है डोमेस्टिक वगैरह सारा मिला के बॉलिंग करी, जिसमें अगर मैं बात करूँ 61 विकेट निकाले, एवरेज 19 का रहा है, एक विकेट तो आपको ईजिली निकाल के दे देगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्तों।
वहीं एम पटेल के बारे में बात करें, इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, अभी तक 130 ओवर बॉलिंग करिए, सिर्फ 24 विकेट निकाल पाई और एवरेज भी 32 का रहा है दोस्तों। इतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में नहीं लेके चलने वाला। खातून के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, 176 ओवर्स इन्होंने अभी तक बॉलिंग करी है, जिसमें 40 विकेट इन्होंने निकाले, 26 का इनका जो है एवरेज रहा है दोस्तों। बाकी अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, एस अख्तर का ऑप्शन होने वाला है, 54 ओवर बॉलिंग करके 15 विकेट अभी तक निकाले। वहीं अगर यहाँ से खातून के बारे में बात करें, एस खातून के बारे में दोस्तों, 44 ओवर बॉलिंग करिए, 11 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले। वहीं अगर एम अख्तर के बारे में बात करें, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, तो 55 ओवर बॉलिंग करके 21 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले, 16 का इनका जो है एवरेज रहा है दोस्तों। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, देखिए नायदा अख्तर तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाती है और मुझे लगता है इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूँ दोस्तों, किसी और के साथ आप जा सकते हो, तो एम सिंह आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बाकी दोस्तों मुझे लगता है पूजा को भी इस मैच में मौका मिल सकता है, अगर इनको मौका मिलता है तो ये भी आपके लिए एक अच्छी प्लेयर साबित हो सकती है, क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेती है और बॉलिंग भी करके दे देती है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करें रीसेंट के बारे में दोस्तों, तो 4 अगर मैच के बारे में भी मैं रीसेंट के बताऊं, तो उसमें बॉलिंग से 2 विकेट ये निकाली है, बाकी बैटिंग से हिटिंग करके दे सकती है, तो आप इनको रख सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, मुझे लगता है दीप्ति शर्मा एक बेस्ट ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग करके देती है, और दीप्ति के अलावा वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना हो जाती है। बाकी शेफाली आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, और बांग्लादेश वुमेन से यहाँ से कोई खास ऑप्शन नहीं है, खातून जरूर आप इनको कर सकते हो दोस्तों। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माय फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो, तो माय फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस माय फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पर क्लिक करिए और माय फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, सबसे पहले माय फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पर क्लिक करिए और माय फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और मैच टाइम एक्टिव रहिए।